ओके गाइस, तो आ गए हैं फिर से मंथली स्पेशल वीडियो लेके। ओ भाई, ये अरे भाई, इस बार तो हमने कुछ ज़्यादा ही ओवर कर दिया है गाइस, और इस बार बहुत ही ज़्यादा कुछ आया है। अरे चचा, तो ये है पूरा डब्बा जो कि हमारे टेबल पे नहीं आ रहा, और ये है इस मंथ का स्पेशल वीडियो बेब्लेड लोट का, जो कि मुझे कुछ पड़ा है 50 से 60 हज़ार रुपये का। ओके भाई, थक गया मैं तो। ठीक है, ओके गाइस, ये इसका वेट लगभग होगा 12 से 13 किलो, और ये भाई बहुत ज़्यादा हैवी है, और इसके अंदर बहुत सारे बेब्लेड्स भी हैं, और इसके अंदर बेब्लेड्स ही बेब्लेड्स हैं। ओके गाइस, तो जो भी वीडियो में जो भी चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि भाई ऐसे ही मंथली स्पेशल वीडियोस आती रहती हैं हमारे इस चैनल पे। ओके, थक गया मैं तो भाई। अरे चचा रुको गाइस, इसको अनबॉक्स करते हैं जल्दी से। मेरे पास कटर नहीं है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। कटर मेरा यार पता नहीं कहाँ गिरा देता हूँ मैं बार बार। ओके गाइस, खुल गया है, खुल जा शिम शिम, डन। ठीक है, अरे भाई अरे तार हिल गई सारी। ठीक है, इसको ऐसे रखते हैं और इसको थोड़ा सा ऐसे करके पीछे कर देते हैं ताकि इस साइड सामान रख दें। क्या क्या आया है इसके अंदर। ए नाइस भाई, मज़ा आ जाता है इस वीडियो को बना के। हो गया गाइस, ठीक है खोलते हैं इसको। ओके ओके, खोलते हैं इसको। इसके अंदर तीन लोट हैं जो कि मैंने एक साथ मंगाई है। काफ़ी मुश्किल आती है भाई इनको मंगाने में, और बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वगैरह देनी पड़ती हैं, बहुत कुछ झंझट होता है, लेकिन फाइनली आ जाती हैं गाइस। ओके, तो ये भाई देखो क्या चल रहा है इसके अंदर, क्या क्या पड़ा है भाई। ये है रिपकोड हमारी, ये तो ठीक है यार, हर बार रिपकोड अलग से दे देते हैं, कुछ ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ता। रिपकोड रख दें साइड में भाई, इस साइड बहुत ज़्यादा ही कुछ बड़ा सीन है, लेकिन पहले ये देख लेते हैं क्या है ये। अरे भाई पहले इसको देखते हैं, इसके अंदर सारे लॉन्चर्स हैं गाइस, इनको खोलते हैं भाई। अभी लॉन्चर्स देख देते हैं, सबसे पहले लॉन्च ही देख देते हैं। अरे यार ऐसे खुल जाएगा ना। ओके, सबसे पहले लॉन्चर्स पे आ जाते हैं, कौन से लॉन्चर्स हैं। ये रिपकोड लॉन्चर्स हैं, ये भी रिपकोड लॉन्चर्स हैं, ये टूटा हुआ लॉन्चर है पता नहीं क्यों है ये। ओके, ये भी है, फिर ग्रिप्स हैं हमारे पास कुछ, ये बढ़िया बढ़िया, फिर एक डीबी लॉन्चर है, क्वालिटी देखने दो। ओके, अभी तक के मेरे सारे डीबी लॉन्चर्स में से सबसे बढ़िया क्वालिटी का है ये। एक मिनट, ओरिजिनल ही है ना, मेड इन वियतनाम, हाँ टोमी ओरिजिनल है गाइस। ये है, फिर स्ट्रिंग लॉन्चर है, बढ़िया ये भी। ओके, और हाँ गाइस, इन सबको बाय कर सकते हो हमारे आईबी स्टोर से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आईबी स्टोर का, वहाँ से जाके इन सबको बाय कर सकते हो। अब अभी शायद ये पूरे अपडेट ना हुए हों कैटलॉग में, लेकिन जल्दी ही हो जाएंगे आईबी स्टोर पे अपलोड, तो वहाँ से जाके इनका चेकआउट कर सकते हो। स्पार्किंग लॉन्चर है, करता है भाई काम। ठीक है, इनमें से कुछ बेब्लेड मैं अपने पास रखूँगा, बाकी सब हम इनको उस पर आईबी स्टोर पे डाल देंगे। बढ़िया यार। ओके, ये सब था लॉन्चर्स का झमेला, उसके बाद आ जाते हैं इस झमेले पे। ये क्या है, एक काम करता हूँ मैं इन सबको हटा देता हूँ अभी के लिए, इन सबको, ताकि अलग से देख पाओ क्या क्या मिल रहा है अलग अलग लोट में। ओके गाइस, तो सबसे पहले फर्स्ट लोट पे आ जाते हैं, फर्स्ट लोट है ये, इसको खोलते हैं अभी, इसमें देखते हैं क्या क्या मिलता है हमको। कुछ प्लास्टिक जैन है, कुछ डीबी वाले हैं, कुछ। ये क्या है भाई, ये क्या है, ओ यार ये कितना मस्त है, पता नहीं है क्या लेकिन है तो बहुत ही मस्त चीज सी। ओके, ये कुछ ऐसे खुलना चाहिए इसको या बंद होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए इसका, कुछ तो काम होगा इसका, बताओ भाई क्या है ये। इस पे लिखा हुआ है चाइना है, मेड इन चाइना, ITAT, तो ये टकाराटोमी का तो नहीं है, जो भी है ये रखते हैं साइड में। आ जाते हैं इस पे, ये हमारा यूनियन अखिलीस गोल्डन वर्जन, भाई क्या मस्त लग रहा है यार ये, और ये भी कितना सही लग रहा है इसके साथ, बढ़िया। ये है फिर हमारे पास जोकर, नहीं ये दूसरा है यार, इसका नाम भूल गया मैं, इसको रखते हैं साइड में। ओके, ये है फिर हमारे पास विक्ट्री वैल्करी, एक मिनट इसका
इसका ड्राइवर ये नहीं है, इसका दूसरा है, ये अल्टीमेट वेलक्री का है। हाँ ये बाद में कर लूँगा मैं फिक्स, इनको तो कोई दिक्कत नहीं है, बट विक्ट्री वेलक्री है ये हमारे पास, ये है। ओके, मेरे को लगता है ये इसका है, कुछ कुछ तो सीन होगा। ये भी बेबलेड ही है, पता है क्या? पता नहीं। अरे हाँ गाइस, बेबलेड ही है ये, बट चलाते कैसे हैं इसको अब? अच्छा, इसके अंदर रिप कोड है, यहाँ पे इसमें डाल के चलाएंगे इसको, देखेंगे इसको भी बाद में देखेंगे। फिर एक मेटल फाइट बेबलेड भी आ जाता है हमारे पास, जो कि है ये, इसको भी रखते हैं साइड में। कुछ मेटल फाइट्स भी हैं इसमें हमारे पास, है वेरिएंट लूसीफर। अरे भाई नाइस, वेरिएंट लूसीफर मेरे पास ओरिजिनल भी है, आ गया है, और फेक वाला भी है। इसको मैं शायद आईबी स्टोर पे डाल दूँ, क्योंकि फेक वाला और इसमें ज़्यादा अंतर है नहीं, और इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। सेवियर वेलक्री का ड्राइव, वो नीचे वाला, बढ़िया यार, ये आ गया फिर हमारे पास। इसका नाम देखना पड़ेगा मेरे को। ओके, ये है जजमेंट जोकर भाई, ओरिजिनल वर्जन में बढ़िया लग रहा है ये, अटैक एंड बढ़िया है जो भी है। हाँ तो ये था गाइस हमारे पास, और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ पहले ही। स्लैश वेलक्री ये है हमारे पास, फिर ये है डायनामाइट बेलियल ही है ये, रिकलर्ड, नाइस, बढ़िया यार, ये चमक रहा है बिल्कुल। ओके, उसके बाद हमारे पास है हाइपीरियन बर्न, ऐसे कुछ नाम है इसका, बढ़िया है भाई। स्पार्किंग बेबलेट्स मिल गए इस बार तो हमको बहुत सारे। उसके बाद आता है हमारे पास वर्ल्ड स्प्रिगन, भाई नाइस, बढ़िया। उसके बाद हमारे पास आता है विजर्ड फैफनियर, उसके बाद हमारे पास आता है ब्लड इलोंगिनस, उसके बाद हमारे पास आता है आर्चर हरक्यूलिस, उसके बाद आता है रोक ड्रैगन। ये पूरा ड्रैगन का स्टैक होगा, फ्लेम रोक वगैरह सब कुछ, और ये हमेशा मिल जाता है मेरे को इरेज इरेज, क्या कहते हैं इसको, डियाब्लोस, इरेज एंड नॉर्मल डियाब्लोस और इरेज डियाब्लोस, बढ़िया है भाई। अल्टीमेट वेलक्री, हाँ ये है अल्टीमेट वेलक्री, ओरिजिनल वर्जन, नाइस। मेरे पास एक बार मैं अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ ओरिजिनल वर्जन की, हमको अनोनिमस ब्लेडर ने दिया था। ओके, तो अभी ये है इसका ओरिजिनल ड्राइवर, और ये है इसका ओरिजिनल ड्राइवर, तो इसको इनमें डाल देते हैं, ठीक है, ये हो गया भाई। इसको मैं रखूँगा, बाकी अब देखते हैं बाद में। ओके, ये है हमारा रोक टॉवर, रेगना रोक, कुछ भी कह लो, क्रैश रेगना रोक भाई, इसका रिकलर्ड है ये। ओके, उसके बाद आता है, ये तो इसी का पार्ट हो गया, एक और इरेज डियाब्लोस, एक हमारे पास स्प्रिगन रेक्रियम की लेयर है, स्प्रिगन रेक्रियम पूरा ही होगा फिर तो, एक हमारे पास गोल्डन फिनिक्स है, गोल्डन फिनिक्स, वाह रिवाइव फिनिक्स, बढ़िया। ओके, इसको रखते हैं। फिर एक और वैसा अजीब अजीब सा बेबलेड हमको मिल गया है, ये अंदर से कुछ सिस्टम है गाइस इसके अंदर, जिससे ये काफ़ी देर तक तो घूमता रहता है, अभी भी घूम रहा है इसके अंदर, वो बढ़िया चीज़ है। उसके बाद हमारे को मिलता है ये, नाइस, ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर विद कस्टम मोड, बढ़िया। फिर एक वो ये मेटल के पीस काफ़ी मिले हैं इस बार, मेटल सीरीज की, आ गया है हमारे पास प्रोमिनेंस फिनिक्स, बढ़िया यार, इसी का तो वेट था, अब मजा आएगा गाइस प्रोमिनेंस फिनिक्स की फाइट करने में। ये मेटल है क्या? लग तो रहा है भाई मेटल, अगर मेटल हुआ तो मज़ा है यार, सज्जा भी है, ठीक है। प्रोमिनेंस फिनिक्स मेरे ख्याल से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा अभी, और ये हमारा जडगलिस, बढ़िया। उसके बाद आता है हमारा, क्या कहते हैं इसको, पेगासस, बिग बैंग ऐसे कुछ नाम था। ओके, इसको रखते हैं। डायनामाइट एक और आ गया हमारे पास बेलियल गोल्डन वर्जन, भाई क्या चल रहा है डायनामाइट के साथ, इतने सारे डायनामाइट मिल रहे हैं अभी तो, ये यूनिक्रेस्ट। ओके, क्रेटस रफाइल आ गया गाइस, क्रेटस रफाइल इन द हाउस गाइस, ये इसको भी शायद मैं रखूं। ओके, ओ ये क्या है, व्हाट द हेल, ये है ये क्या भाई, एक मिनट, ये इसमें डलेगा क्या भाई, रबड़ ले रही है यार, ये किसी बेबलेड में लग सकती है वो भाई, देखो इसको एक बार, नाइस, ये कुछ अलग है गाइस, मेरे को बताना कमेंट करके, मैंने कभी नहीं देखा ऐसा, लेकिन ये लेयर बन सकती है, वो भी रबड़ लेयर, क्या खतरनाक बनेगी भाई ये। उसके बाद हमारे पास क्या सीन है भाई, डियाब्लोस के दो दो स्टॉक मिल गए हमको, ये देखो
दो दो मिल गए भाई। अरे नाइस, दोनों सही हैं। ये भी ठीक है, सेवियर वेलग्री, सेवियर वेलग्री मिल गया है पूरा का पूरा भाई। इसमें डीबी के बेब्लेड और स्पार्किंग के बेब्लेड मिले हैं बहुत सारे, नाइस। ये हमको मिल गया फिर से जेड अकिलीस, और ये हमारा ग्रैंड ड्रैगन, बाकी ईगल मिल गया भाई, रिकलर्ड स्पेशल एडिशन, नाइस। इसको मैं शायद स्टोर पे डाल दूँ, आई बी स्टोर पे, क्योंकि मेरे पास एक ईगल है पहले स्पेशल एडिशन, बट मैं सोच रहा हूँ इसको भी रख लूँ क्योंकि ये काफ़ी सुंदर सा लग रहा है, लेकिन देखते हैं मेरे माइंड पे होगा वो, तो क्या करूँगा मैं, बाकी मैं कमेंट्स पढ़ूँगा उसके हिसाब से देखेंगे। ओके, बाकी कुछ पार्ट्स हैं इसके अंदर, इसमें एक मिनट, मैंने कुछ देखा था अभी अभी, नहीं ये है, ये किसका है, आई थिंक ये वेलक्री का है या फिर स्प्रिगन का है, शायद वेलक्री का है। ओके, इसको रखते हैं साइड में। ओके गाइस, पहली लोट में मिलता है हमको ये, अभी इसको मैं पैक कर देता हूँ दोबारा से, नेक्स्ट लोट पे आ जाते हैं। ठीक है गाइस, तो अब करते हैं भाई सेकंड लोट का अनबॉक्सिंग। ये कुछ ज़्यादा ही पैकिंग में आया है और कुछ अलग सा ही है भाई, इसका मुकाबला, इसका सीन कुछ अलग सा ही है। ओके, टेप हटा देते हैं। ठीक है गाइस, पहले लॉन्चर्स आ गए इसके, लॉन्चर्स देख लेते हैं कौन से हैं इसके अंदर। हाँ, मैं पहले ये इसको सब कुछ अगर बाय करना हो तो आई बी स्टोर पर मिल जाएगा, और मैं जल्दी सोच रहा हूँ कि एक वेबसाइट बना दूँ, वहाँ पे और सही से सेल हो जाएंगे, झंझट नहीं रहेगा ज़्यादा। और ये ख़राब है, इसका कोई काम ही नहीं है भाई। ठीक है, ये एक और स्पार्किंग, ये सही है, बढ़िया। ये है हमारा एलआर लॉन्चर, ये भी ठीक है, बढ़िया। ओके, नहीं है बढ़िया, राइट स्पिन नहीं है इसका बढ़िया, लेफ्ट स्पिन बढ़िया है, हाँ सिर्फ लेफ्ट स्पिन चलता है इसका। नेक्स्ट एक और एलआर लॉन्चर हमारे पास, ये मेरे ख्याल से पूरा सही होगा, यप एक और था मेरे पास पहला ऐसा ऐसा, बढ़िया है यार ये। ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारे पास एक फोर स्ट्रिंग लॉन्चर, एक डीबी लॉन्चर, बढ़िया, नया का नया दिख रहा है यार ये तो, मेरे को छोड़ो। ओके, बाकी नॉर्मल रिपकोड लॉन्चर्स हैं, इनको रखते हैं साइड में, नेक्स्ट पे आ जाते हैं हमारे। ओके गाइस, इसके अंदर हैं बेब्लेड्स सारे, इनको रखते हैं अभी, निकाल लेते हैं इनको, एक मिनट, कुछ गया कुछ गया। ओके, ये हैं रिपकोड्स, ये अलग से मिलती हैं भाई, ये सही देने लग गए, रिपकोड अलग से दे देते हैं, बढ़िया। ओके, इनको रखते हैं साइड में। तो ठीक है गाइस, खोल लिया भाई, अभी इसे एक एक करके निकालते हैं, इसमें बहुत सारे हैं। पहला हमारे को मिलता है बहामात, बढ़िया। दूसरा हमको मिलता है एक्सकैलिबर रिकलर्ड वर्जन, फिर ये है, फिर ये है हमारा क्या नाम है इसका, लॉर्ड स्प्रिगन है ना, मे बी, हाँ लॉर्ड स्प्रिगन। ओके, ये लॉर्ड स्प्रिगन की डिस्क है शायद, ये बोशी नशूरा की है, ये विजर्ड फैफनियर है, ये सेवियर वेलग्री है रिकलर्ड, भाई नाइस। ये है एक्सकैलिबर, फिर है एस ड्रैगन, फिर है फैफनियर रिकलर्ड, और ये रिकलर्ड वेलक्री जेनेसिस वेल्टियक, और फिर से हमारे पास रंगीला जेनेसिस आ गया है रॉयल बिग बैंग जेनेसिस, ऐसा कुछ नाम है इसका, जो भी है। ये वाली जो चीज़ है काफ़ी यूनिक है, ये वाली, ये क्या कहते हैं इसको, फ्रेम काफ़ी मस्त है ये। ये तो वेलिश फैफनियर का है जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ। तो फाइनली गाइस, वेनिश फैफनियर हमको देखने को मिल सकता है इस लोट के अंदर, अरे नाइस। तो फाइनली हमारे पास लेफ्ट स्पिन वेनिश फैफनियर होगा। ओके, ये डिस्क है, ये डिस्क क्या दिखा रहा हूँ। ओके, ये आ गया हमारे पास, नाइस, इनको रखते हैं साइड में। ये है लॉस लुइनोर, नहीं लॉस नहीं, ब्लडी लोमिनस ग्रैंड वेलक्री, नाइस, ब्लडी लोमिनस फिर से। ये है भाई, कितना मस्त लग रहा है यार ये, ओहो भाई साहब कितना सही लग रहा है यार ये रेड कलर में,
डायनामाइट बेलियल रेड कलर, नाइस। ओके ये हमारा प्राइम एपोकलिप्स, इसको छोड़ो, डेड हेडीज, डेड हेडीज, कोस्मो ड्रैगन, ये क्या है भाई, ये गियर है। ओ देखो हमारे रेड सेवियर के लिए रेड ड्राइवर, नाइस, बढ़िया भाई, कंटेंट ही कंटेंट होगा अभी तो। ये है हमारा, क्या है भाई ये, मास्टर पेगासस ऐसे कुछ कह सकते हैं इसको। ये यूनियन अकेलीस, ये नहीं पता मेरे को, जजमेंट के साथ लेयर किसकी है, ये फैफनियर है क्या शायद, नहीं या फिर लोंगिनस है, पता नहीं, नहीं फैफनियर हो सकता है। ओके ये फिर से ठीक है, हाँ फैफनियर ही है वो भी, ये इरेज फैफनियर है ना, ठीक है। ओ एक और मिल गया भाई इरेज, ये ओ भाई कितना शानदार है यार, ये कितना सही है भाई, ये तो मैं रखूँगा गाइस, भाई मैं इसको कलेक्शन में रखूँगा अपनी, कितना बढ़िया लग रहा है यार इसका कलर, नाइस। ओके इसको रखते हैं, ये वेलक्री का है, वाइट वेलक्री कहाँ है वाइट वेलक्री, यप ये रहेगी, मैंने देखते ही पहचान लिया इसको तो, ये है, ये देखो भाई कितना शानदार लग रहा है ये वेलक्री, टर्बो वेल्ट्रैक वाइट वर्जन। ये मास्टर डियाब्लोस का है, ठीक है, ये नेमेसिस है, ट्विन नेमेसिस, ठीक है, ये टर्बो अकेलीस है, ओ ये क्या है भाई, छोड़ो इसको भी बाद में देखते हैं, ठीक है जल्दी से निकाल लेते हैं गाइस, एक लोट और बची इसके बाद में, वो शायद सबसे बड़ी वाली है या फिर ये वाली सबसे बड़ी थी, आई एम नॉट श्योर। ओके टर्बो वेलक्री मिल गया, वेनिश फैफनियर गाइस, फाइनली वेनिश फैफनियर गाइस, ये कैसे यूज़ होगा है भाई, गियर मिल गया साथ में वेनिश फैफनियर का हमको, लेकिन मुझे यूज़ नहीं करना था, ये शायद ऐसे यूज़ होगा या फिर ये इसका है भी या नहीं पता नहीं, जो भी है गाइस ठीक है। तो ये हमारा वेनिश फैफनियर हमको मिल चुका है, फाइनली वेनिश फैफनियर मिल गया हमको। ओके वो भी लेफ्ट स्पिन। ओके गाइस एक और डायनामाइट बेलियल आ गया हमारे पास, डायनामाइट बेलियल काफ़ी सारे मिल गए हैं अभी तो। ओके मेरे को लगता है इसको देख के कि हमारे पास डेड फिनिक्स भी आ सकता है, बट पक्का नहीं पता। ये हेल्थ एलिमेंटर रिकलर्ड वर्जन भाई साहब, बुनी बूशी नशूरा, ये ब्रो ये क्या है, ये पोकेमोन में होता है गाइस, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ पोकेमोन में होता है ये। ओके रखते हैं साइड में, जो अरे ब्रे वेलक्री अरे भाई मैं बच्चों की तरह हो गया बट जो भी है ब्रे वेलक्री गाइस, वो भी ओरिजिनल, ये तो मैं रखूँगा, तो ये सेल पे तो नहीं जाएगा गाइस, माफ़ी चाहेंगे उसके लिए, बट जल्दी उसको भी प्रोवाइड कराएंगे। ओके ये हमारा ड्रैगन स्लैश ड्रैगन, ये इक्लिप्स, ये अजीब सा इक्लिप्स है, अभी तक मैंने ऑरेंज कलर का ही देखा था। ग्रैंड ड्रैगन लेयर ई डिस्क, ये इरेज फैफनियर का है, नहीं इरेज फैफनियर कह रहा हूँ, इरेज क्या था उसका, डियाब्लोस। ओके हाँ डेड फिनिक्स मिलेगा, बोला था ना मैंने मिलेगा। इसका रिंग कहाँ है, ये रहा इसका रिंग, डेड फिनिक्स, यो ग्राइस डेड फिनिक्स इन द हाउस, ठीक है अरे भाई। ओके तो ये है फिर हमारे पास टर्बो प्रिगन वगैरह, ये रिवाइव फिनिक्स एक्सकैलिबर लेजेंड स्प्रिगन रिकलर्ड, ये है बुशिन ड्रैगन, ये क्या है, नाइस इसकी रिपकोड उसमें होगी पक्का, राइट स्पिन है भाई, किस लिए है लेकिन जो भी है। फिर ये तो छोड़ो इनको, अभी एक दो चीज़ और हैं इसके अंदर इंटरेस्टिंग शायद, ये क्यों है, कुछ अलग अलग से जैपनीज चीज़ें ही मिल जाती हैं गाइस। फिर हमारे पास है ड्रैगून, ये देखो कितना मस्त लग रहा है ड्रैगून, बट पर्पल कंडीशन है। ओके बाकी सब देख सकते हो इसमें, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसको भी रखता हूँ, लास्ट वाला ले आता हूँ मैं, ये मेरे ख्याल से फैफनियर का है शायद, मैं शायद गलत ना हूँ। ओके हाँ तो गाइस ये है सबसे बड़े वाला लोट, ये है सबसे बड़े वाला लोट, और MF भी दिख रहा है इसमें, यानी कि हो सकते हैं इसमें MF भी, तो ठीक है गाइस सब्सक्राइब कर दो भाइयों जल्दी से जल्दी चैनल को, इतनी मेहनत के लिए थोड़ा सा तो बनता है गाइस।
हाँ, जो रेगुलर व्यूवर्स हैं और जिन्होंने नहीं कर रखा उनके लिए स्पेशली भाई कर दो यार, क्या जाता है, काफ़ी मोटिवेशन मिलती है सब्सक्राइब्स बढ़ने से, मज़ा आ जाता है भाई। ओके, सबसे पहले हमें जो चीज़ मिलती है वो है ये स्वॉर्ड लॉन्चर है ये, शायद यहाँ पे सेल डालेंगे, और ये ड्यूअल है LR लॉन्चर है ये शायद। ओके, इसकी अगर रिपकॉर्ड हो तो मज़ा आ जाएगा, ये री रिपकॉर्ड, इसी में से कोई रिपकॉर्ड हो लगेगी उसके अंदर भी शायद, हाँ ये री, ये है शायद ये री, ये मिल गई, ठीक है भाई बढ़िया। ये लॉन्चर मस्त है, क्या नाम है इस लॉन्चर का, डिजिटल स्वॉर्ड लॉन्चर, हाँ डिजिटल स्वॉर्ड लॉन्चर है ये, यूज़ करेंगे इसका भी रिव्यू करके देखेंगे भाई कितना बढ़िया है ये, रुको अरे हट जाओ। ओके बढ़िया यार, ये लॉन्चर मिल गया एक और, एक DB लॉन्चर गोल्डन वर्जन, बढ़िया। ये इतना बड़ा क्यों है, उल्टा डाल रखा क्या भाई साहब, कैसे हो, कैसे लोग हैं, नहीं उल्टा ही डलता है गाइस ये भाई, बैरिंग है इसके अंदर, ये कस्टमाइज्ड है क्या, मेरे को लग रहा है कस्टमाइज्ड है ये, क्योंकि ऐसा DB लॉन्चर तो नहीं होता, नहीं होता भाई ऐसा लॉन्चर DB का। अरे यार निकल गया, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा ऐसा लॉन्चर DB का सच में, कैसे डलेगा अभी, ओके यहाँ पे जाएगा ऐसे हो जाएगा, ठीक है ओके इसको डालते हैं अभी वापस। ये देखो भाई काफ़ी ऊंचा हुआ बना हुआ है भाई साहब, इसे लॉन्च करके देखने दो एक बार मेरे को कि क्या कुछ सीन है इसका, कोई बड़ा हो, बेलकरी मिल गया भाई, बेलकरी देखो बढ़िया है, तो इसको छोड़ो इससे करेंगे डेमेसिस को करेंगे लॉन्च, राइट स्पिन भाई कितना तेज लॉन्च हो रहा है यार, थोड़ा सा थोड़े से भी तेज करते हैं, अरे ओ ये क्या कर दिया देखो भाई, खड्डे कर दिए, नाइस दिस लॉन्चर नाइस, बढ़िया यार ये तो, इसको जरूर करेंगे, ये नेमेसिस आ गया, ये खराब लॉन्चर है, हमेशा आते हैं कुछ खराब लॉन्चर, तो मेरे पास काफ़ी बड़े खराब लॉन्चर, ये चिप वो क्या कहते हैं बोल्ट होल्डर और की साथ में, नहीं बोल्ट होल्डर नहीं है ये गोल्ड चिप होल्डर है, ओके ठीक है, जो ये वाली चिप होती है इनको रखने के लिए और इनको खोलने के लिए ऐसे, यप बढ़िया। ये आ गया डेथ साइथर, नाइस, ये आ गया है हमारा अखिलेस, ड्रैगून अटैक ड्रैगून एस ड्रैगून स्टॉर्म, बढ़िया। फिर ये उसके बाद आ जाते हैं इस पे, इनको छोड़ो, ड्रैगून फिर से, ड्रैगून के 3 वर्जन हो चुके हैं इस लोट में, नाइस। ये हमारा बहामात, ये हमारे यूनिक्रेस्ट और ड्रिगर प्रोटोटाइप लॉन्चर, ग्रैंड ड्रैगन की लेयर, भाई इसमें तो सारे ही हैं, छोटे से छोटे बड़े से बड़े, मेन चीज़ गाइस ये ग्रिप ऐसे पकड़ के लॉन्च कर सकते हैं हम, नाइस कैसे करेंगे, लेकिन ये इसमें तो ग्रिप लगती नहीं है, इसमें लगा के देखते हैं, एक मिनट नहीं ऐसे नहीं लगेगी, ऐसे लगाएंगे, ओके आओ भाई कोई तो आओ, आई थिंक ये लेफ्ट लॉन्चर है, नहीं ये राइट ही है, यो ये ग्रिप पकड़ के ऐसे लॉन्च कर सकते हैं, बढ़िया ठीक है। फिर एक लेफ्ट स्ट्रिंग लॉन्चर, फिर एक मेटल फायर लॉन्चर, फिर एक LR मेटल फायर लॉन्चर, वो भी बिल्कुल नया का नया, बट चलता नहीं है, अच्छा चलता है गाइस सॉरी चलता है, नाइस बट ये नहीं चलेगा हाँ ये ऐसे ही रहेगा इसमें, क्योंकि ये ऊपर वाला LR है ना, देखो दोनों घूमते हैं साथ में, लेकिन अगर इसको हटा दिया, मेरे पास एक है उसमें यही नहीं है ये पार्ट, जिसकी वजह से चलता नहीं है, क्योंकि इसको चलाने के लिए ये जो हिस्सा है इसको लॉक करना पड़ता है ऐसे, फिर चलने लग जाता है। बढ़िया है भाई ये तो बढ़िया है, एक और ड्रैगन आ गया है, इसका तो नो स्टिकर वर्जन है ये तो, WBBA क्रैश रैग्नारोक, नहीं क्रैश नहीं सिर्फ रैग्नारोक, ब्लडी ओ नाइट में लोइने, और ये हमारा मैक्सिमम गरुड़ा,
एल ड्रैगो फेक वर्जन, ये तो गारंटेड फेक है, फेक है। यप, ये मुझे फेक लग रहा है, ये फेक है। अरे भाई जापान में ही फेक मिलते हैं। एक्सकेरियस। ओके गाइस, अभी कुछ धमाल निकालते हैं। ये तो एक पारदर्शी स्ट्रिंग लॉन्चर, लेफ्ट वाला होगा ये गारंटेड। और ये है पर्पल स्ट्रिंग लॉन्चर, राइट होगा वो मेरे ख्याल से। रिपकॉर्ड, फिर एक स्वॉर्ड लॉन्चर, फिर एक रिप, ये फिर एक ब्लैक स्ट्रिंग लॉन्चर। कितने लॉन्चर होंगे भाई? ओके भाई इतने लॉन्चर क्यों है इसमें? ड्रेन फैफनियर मिल गया फाइनली भाई। ड्रेन फैफनियर देखो कैसा कलर है इसका, बढ़िया, इसका रीकलर्ड वर्जन है ये। फिर एक वंडर वेलकरी, फिर एक स्ट्रिंग लॉन्चर, फिर एक स्ट्रिंग लॉन्चर। अरे भाई लॉन्चर ही लॉन्चर, ये रिपकॉर्ड लॉन्चर, फिर एक स्ट्रिंग लॉन्चर, बढ़िया। कितना कुछ मिलता है गाइस, ये बढ़िया लॉन्चर लगता है। फिर ये रिपकॉर्ड लॉन्चर है, मेरे को लगा स्ट्रिंग लॉन्चर है। ओह फिरकी मिल गई गाइस, फिरकी मिल गई। ITAT, इससे मेरे को कुछ याद आया, ITAT, वो उस भाई का नाम भी ITAT से था कुछ, तो उसके साथ कुछ काम आएगा ये आई थिंक। फिर ये है ये मैगमस मैगनम ड्राइवर लोड, लेजेंड स्प्रिगन रेक्रियम वाइब्रोन, ये वेलक्री है हमारा स्लैश वेलक्री। फिर टर्बो रिपोर्ट ड्राइवर सॉरी विद विक्ट्री वेलक्री। भाई फेक क्यों रख रहे हैं ये लोग, ये भी फेक है। अरे यार फेक क्यों ले रहे हो भाई, जापान वालों फेक वाले इंसान तो नहीं है तुम लोग। ठीक है ये पता नहीं इसका नाम बताना मेरे को, ये छोड़ो इसको। ओके रखते हैं इसको साइड में। मेटल फाइट ज़्यादा नहीं मिले हमको, दो तीन ही मिले हैं बस। ये हमारा वेलक्री फर्स्ट वेलक्री, इसको भी रखें इस साइड में। ये भी आई थिंक फेक का ही है शायद तो। ओके ये देखो गाइस, ये मैंने दो तीन दिन पहले ही वेलक्री में अनबॉक्स किया है, वेलक्री नहीं उसमें रोर बालकेश में। ये आ गया। फिर इसमें छोटी जनरेशन के हैं सारे, लेकिन वाइट वेलक्री नाइस। इस ड्रैगन ओहो स्ट्राइक वेलक्री, अरे भाई नाइस। ये कलर मेरे को चाहिए था स्ट्राइक वेलक्री का रेड कलर, इसको मैं रखूँगा चिप को। जो मेरे पास गोल्डन है उसको आईवी स्टोर पे डाल देंगे, क्योंकि मेरे को रेड ज़्यादा पसंद है। ओके ये है। फिर बाकी सारे एवोल्यूशन सीरीज के हैं, लगभग एवोल्यूशन सीरीज के हैं। ये एक, ये आई थिंक ओरिजिनल होना चाहिए इसको, नहीं गाइस ये भी शायद फेक है, क्योंकि देखो ये टूटा हुआ है। मैं गारंटी नहीं ले सकता इसकी भी कि ये ओरिजिनल है या फेक है। ये वेलक्री वो क्या कहते हैं ड्रेन पैफिंग मिलता है, चूना लगा दिया रे, हम तो ओरिजिनल समझ रहे थे उसको। ओके गाइस एक और विजर्ड पैफिंग। फिर हमको मिलता है ड्रोन्जर, ये ड्रोन्जर वी है क्या या फिर एफ है, नहीं वी है मेरे ख्याल से, नाइस। ओके गाइस और मैं ढूंढ रहा हूँ कुछ मिले तो इसमें बढ़िया सा जो मैं दिखा सकूँ। रोकटोवर बस ये है। फिर स्प्रिगन ब्लैक कलर रिबूट ड्राइवर, काफ़ी रिबूट ड्राइवर हैं। ओके बस ये है एक पर्पल विक्ट्री वेलक्री, कितना सही है। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, तो ठीक है इसको मैं रखूँगा, मेरे को चाहिए ये। ओके तो बाय बाय गाइस, बाय बाय क्यों कह रहा हूँ, हाँ तो गाइस पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिसने भी नहीं किया है, और वीडियो को लाइक कर दो भाई जिसने भी नहीं किया है। इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं 6000 लाइक्स का, क्योंकि मैं जानता हूँ इतने करवा दोगे, तो भाइयों करवा दो 6000 लाइक्स का एम है हमारा इस वीडियो का, तो कर देना। ओके तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो भी धमाल ही होने वाली है,
क्योंकि ये मंथ धमाल पे चलेगा पूरा का पूरा। तो ठीक है गाइस, और उससे पहले एक ये और देख जाओ भाई, ड्रिगर एक और। तो बाय बाय।